एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मेरे पीछे देखिए खड़ी है मेरी बिल्कुल नई बाइक, जो कि है KTM की एडवेंचर 390 बाइक। और काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये बाइक मिली है। लगभग एक महीने से मैं रिसर्च कर रहा था और कई बाइक्स पे मैंने मतलब विचार किया, लेकिन फाइनलाइज़ मैंने अपनी KTM एडवेंचर 390 को ही किया। और इसके बहुत ही शानदार फीचर्स हैं और फीचर की हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले आपको पता है, जो भी मेरा चैनल देख रहा है या देखता है रेगुलर, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को पता है मैं डोमिनार चला रहा था पिछले 4-5 साल से, और मोर देन 65,000 किलोमीटर मैंने डोमिनार चला लिया है। और लगभग हर टायर में मैंने वो बाइक चलाई है। और मैं डोमिनार, बजाज डोमिनार का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फैन हूँ। और लगभग 65,000 किलोमीटर मैंने डोमिनार राइड करी है, और उस बाइक ने मुझे कसम से कहीं भी धोखा नहीं दिया। ऐसे ऐसे टेरेन में हम गए हैं, नेपाल के, लद्दाख के, जंस्कार के, मैं बता नहीं सकता। और बड़े शानदार ढंग से उस बाइक ने काम किया है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ का अंत होता है, तो लगभग मैंने 5 साल उस बाइक को राइड किया है, और 5 साल के बाद हमने उसको गुड बाय कह दिया है। लेकिन मैं हमेशा उस बाइक का फ़ैन रहूँगा। लेकिन अब जो बदलाव किया है मैंने, थोड़ा हम अपग्रेड किया है बाइक को। ये है एडवेंचर 390 बाइक, जो कि KTM की है, बहुत ही लेटेस्ट बाइक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। जैसे सीट हाइट इसकी है 855 mm, जबकि डोमिनार की थी 800 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है लगभग 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि डोमिनार की थी 157 की। और इसमें जो फ्रंट रियर शॉकर्स हैं, सस्पेंशन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार ट्रेवल्स है इनका। आपके छोटे मोटे जो जितने भी ब्रेकर्स हैं उनमें तो पता भी नहीं चलता, और किसी भी टेरेन में ले जा सकते हैं, इतनी शानदार बाइक है। ट्रैक्शन कंट्रोल्स, रिपर क्लच, ड्यूल ABS, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस बाइक में। मोर देन 50 सेंसर्स लगे हुए हैं इस बाइक के अंदर। तो फ्यूचर में जितने भी अब हमारी राइड होने वाली है, इस KTM एडवेंचर के साथ होने वाली है, और हम नई नई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही शानदार राइड करेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। तो गाइस, अब पार्क से निकल के अब सीधे चल रहे हैं अपना सेक्टर 13 रोनी, जो कि मेरे सिस्टर का घर है, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके हम अपनी बाइक की जो पूजा वगैरह होती है वो करवाएंगे, ताकि हमारी बाइक हमेशा बढ़िया ढंग से चलती रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से चलेंगे रोनी सीधा सेक्टर 13 के, वहाँ पे प्रिंटर अपार्टमेंट के फ्लैट से वहाँ पे चलेंगे। तो आपको मिलता हूँ सीधा वहाँ पे रोनी में। और जब तक आप सिनेमेटिक्स वीडियो देखिए, सीन देखिए, बहुत ही शानदार है। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं रोनी सेक्टर 13, और ये है प्रिंटर अपार्टमेंट जहां मेरी सिस्टर रहती है। ये है हमारी सिस्टर पिंकी, और ये अभी हमारी बाइक की पूजा करेगी। ये है मेरे पीछे मेरी बाइक, ये देखिए। तो मैं स्पेशल अपने मावी नगर, तिलन नगर से आया हूं रोनी पूजा कराने, और ताकि हमारी बाइक फर्स्ट क्लास चलते रहे रोड पर और किसी भी टेरेन में। स्वास्तिक तो कुछ कहना आपने। भगवान आपको खूब तरक्की दे और आप हमेशा सेफ रहो ये गाड़ी चलाते हुए।
थैंक यू हमेशा आपकी यात्रा सफल हो, बाइक आपको सेफली लेके जाए और सेफली लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, आपकी सेवा पानी करें। थैंक यू, ओके बाय। तो हम निकल पड़े हैं अपना सेक्टर 13 रोनी प्रिंटर अपार्टमेंट से। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा द्वारका सेक्टर 4 इस्पातिका अपार्टमेंट, जहाँ मेरा छोटा ब्रदर रहता है। और भाई को अभी फ़ोन किया था, वो घर पे ही अवेलेबल है, और बड़ा खुश हुआ सुन के कि मैंने बाइक ले ली है। कह रहा जल्दी आ जाओ, बाइक देखनी है मैंने। तो चलते हैं हम सीधा द्वारका भाई के पास और बाइक दिखाते हैं, भाई को भी मिलते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं उनके भी। सिस्टर को तो बहुत पसंद आई है बाइक, मज़ा आ गया। बाइक है भी बहुत ही शानदार, बल्की बाइक लगती है, बहुत ही बल्की हैवी वेट बाइक लगती है ये, जबकि वेट इसका जो डोमिनार से उससे कम है वेट, और लगभग 165 केजी की बाइक है जो KTM एडवेंचर 390, और जो डोमिनार है आई थिंक 195 केजी के समथिंग है, इससे लगभग 20-25 किलोमीटर है वेट उसका। इसका जो फ्रेम है वो हल्का फ्रेम है KTM का। तो अब आपको सीधा मिलते हैं द्वारका। हम बातों ही बातों में पहुंच गए हैं इस्पातिका अपार्टमेंट सेक्टर 4 द्वारका। एक मोड़ते ही इस्पातिका अपार्टमेंट आ जाएगा और हम जाएंगे अब अंदर, और उसके बाद अपने भाई को अपनी बाइक दिखाएंगे। ये है मेरे सामने इस्पातिका अपार्टमेंट, चलते हैं अंदर। बढ़िया, सही है। तो लेकर ही आ गए सीधा, मतलब हाँ, तो ये सब आता है इसमें, अलग से लगवाया हुआ है, सब इसी में है। क्लच दबा के स्टार्ट करनी है? नहीं, वैसे ही हो जाएगी। और नीचे बाकी ऊपर, हाँ भाई, कैसी लगी? अच्छी है। और राइड कैसे लगी? बहुत मजा आया। और डोमिनार से इसमें क्या फर्क है? सीट इतनी अच्छी है, कंफर्टेबल, बैठने में मजा आता है, कंफर्टेबल है उससे। यस बॉस। हाय नाटू, हाय बेटा। पापा ने बताया नहीं मैं आ रही हूँ? अभी पापा राउंड लेने गए हुए बाइक का, आ रहे हैं अभी, रुक। तुझे बैठना। तो नहीं है वैसे एकदम। फुटरेस वगैरह भी एकदम नहीं लगा। कैसी लगी? हाँ, डोमिनार से कंफर्टेबल ज़्यादा है। रोड पे तो ये हाईवे बाइक है, जब भागती है एकदम मस्त, सूटम छूट, उससे हल्की भी है, 10-20 किलो वेट कम है इसका। अच्छा, वही कह रहा हूँ, दिखने में लेकिन बल्की है, हैवी तो है, और ऊंची है, बल्की है, सही है, ये काफी रेडी बाइक है बिल्कुल आपके लिए। बस एक मैंने यहाँ पे वो अपना बॉक्स का वो सैडल लगाना है, जो बॉक्स लगते हैं ना साइड, वो ये सेटिंग करवानी है, बाकी तो सब रेडी है। और मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट में बाइक पे, तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी पियेंगे और एंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे घर को। तो आपको आज का मेरा व्लॉग और ये मेरी बाइक कैसे लगी, एक कमेंट जरूर करना, और
ये 2021 मॉडल है, मतलब कि और बहुत ही कम चली हुई है, बहुत ही शानदार बाइक है। और अब फर्दर जितनी भी राइड्स हैं हम इस बाइक से करेंगे, और मेरी अपकमिंग राइड्स हैं लद्दाख, जंस्कार और नॉर्थ ईस्ट, ये मेन हमारी अट्रैक्शन है अभी आने वाली जो जितनी भी राइड्स हैं। तो मेरे साथ बने रहना, मेरे को लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी नया मेरा व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब करना। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।